जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहणं, नमो लोये सर्वसाहणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपापप्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च संवेसिं, मंगलाणं च संवेसिं, परमं भवै मंगलं, परमं भवै मंगलं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दोनों का एक ही नंबर डाल देता हूँ, मेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, चलिए उसके बगैर आने नहीं देंगे। पहले ऐसा नहीं था ना, अब जरूरी है। ईमेल एड्रेस रमेश जी के पास तो है, क्यों जरूरत नहीं पड़ती कभी, हम तो ऐसे ही रहते हैं। कोई कहेगा पिन नंबर बताओ तो वो भी नहीं पता। ईमेल क्या होता, ईमेल क्या होता? जय सच्चिदानंद। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा हमारे जीवन पथ पर, दादा हमारे जीवन पथ पर, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। बड़े चले हम रुके न क्षण पर, बड़े चले हम रुके न क्षण पर, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। दादा की बाणी अमृत पीकर, दादा की बाणी अमृत पीकर, बिखरा देंगे प्राण प्यारा, बिखरा देंगे प्राण प्यारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। नई दिशाएं नई जगाए, नई दिशाएं नई जगाए, नई हवा हम फैलाए, नई हवा हम फैलाए। विकल्प इस दुनिया को हम, विकल्प इस दुनिया को हम, निर्विकल्प बना पाए, निर्विकल्प बना पाए। इस जग के कल्याण निमित्त सत, इस जग के कल्याण निमित्त सत, हो अक्रम विज्ञान विशाला, हो अक्रम विज्ञान विशाला। दुनिया
दुनिया का आध्यात्म केंद्र, दुनिया का आध्यात्म केंद्र, हो जा संयम प्राप्त स्वधारा, हो जा संयम प्राप्त स्वधारा, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा, राह में चलते कदम खुदा के, राह में चलते कदम खुदा के, हो मन वचन काया की शुद्धि, हो मन वचन काया की शुद्धि, प्रतिक्रमण की सुभावना से, प्रतिक्रमण की सुभावना से, अतिक्रमण हम दोते जाए, अतिक्रमण हम दोते जाए, आत्म दर्पण हो बेदागी, आत्म दर्पण हो बेदागी, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, पंच परमेष्ठि भगवन सन्मुख, पंच परमेष्ठि भगवन सन्मुख, अपना ही परमात्मा नियारा, अपना ही परमात्मा नियारा, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा, ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो, ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो, चारित्र व्रत बन जाए, चारित्र व्रत बन जाए, केवल आत्मा में ही उपयोग, केवल आत्मा में ही उपयोग, दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए, दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए, निश्चय की यह नावन डूबे, निश्चय की यह नावन डूबे, मिल जाए वरदान तुम्हारा, मिल जाए वरदान तुम्हारा, श्रद्धा की जलहल ज्योति से, श्रद्धा की जलहल ज्योति से, निकाली व्यवहार हमारा, निकाली व्यवहार हमारा, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा, दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, चारित्र सिद्ध हो जाए, चारित्र सिद्ध हो जाए, रत्न त्रय निज त्रिवेणी तपसे, रत्न त्रय निज त्रिवेणी तपसे, भावी भव ही मिट जाए, भावी भव ही मिट जाए, रिलेटिव रियल देखेगा, रिलेटिव रियल देखेगा, केवल आत्मस्वरूप हमारा, केवल आत्मस्वरूप हमारा, अग्न
अनादि रात बीतेगी, अज्ञ अनादि रात बीतेगी, होगा चार गति में उजाला, होगा चार गति में उजाला। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शांति दूत बन कर आओ, शांति दूत बन कर आओ। आप कृपा की पवित्रता से, आप कृपा की पवित्रता से, धर्म ध्वजा को लहराओ, धर्म ध्वजा को लहराओ। लोकाग्रिया काशी पथ से, लोकाग्रिया काशी पथ से, नर्तित मुक्ति सुख की धारा, नर्तित मुक्ति सुख की धारा। आशीष द्यो हाजर तीर्थंकर, आशीष द्यो हाजर तीर्थंकर, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा हमारे जीवन पथ पर, दादा हमारे जीवन पथ पर, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। जय सच्चिदानंद। बोलो प्रेम अध्याय के अभी उस्ताद सत्संग है, फिर जाने का वो भी अभी एक घंटा है। बस जी को अच्छा है, कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा हो गया, कल का प्रयोग सबको अच्छा रहा, सबका रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। लेकिन अरे आपको तो आ गया, जो नए नए थे उनको भी बहुत आ गया। हाँ, उनको तो आएगा ही, पर हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप बहुत टाइम हो गया था ना। हाँ, वैसे घर में कोई नहीं पाता। कसे इसको पूछा कि नहीं पूछा, कैसा रहा? आ रहा है, आ रहा है। पूछा कि नहीं पूछा आपने? मुझे अपनी गलतियाँ नहीं दिखती, सबसे बड़ी समस्या मेरी है, दूसरों की ज्यादा दिखती है, मुझे अपनी नहीं दिखती। सबकी है, कॉमन है, क्या करूँ उसके लिए बताओ मुझे। अरे आपकी जागृति तो है कि दूसरों की दिखती है, अभी ये जागृति को घुमाने के फोकस मन में चलता रहेगा, ये फोकस दूसरों के ऊपर है ना, वही गलती। मगर जागृति इसलिए दूसरों की गलती दिखती है ना, वो भी वही फोकस अपने पर डालने का, टन करने का, प्रेमा देवी पे डालने का, तो फिर प्रेमा देवी की शुरू हो जाएगी। मोक्ष में आपको जाना है, किसी और को लेके जाना है? मुझे ही जाना
तो मोक्ष में कौन जाता है? जो सारी गलतियों से मुक्त हो गया वो मोक्ष में जाता है। पर आपको तो रमेश जी को भेजना है ना पहले। मुझे अपने से मतलब है, उनसे मतलब नहीं, पर हाथ दखल अंदाजी कर देती हूँ, इनके जीवन में भी करती रहती हूँ, धोखाधड़ी की आदत है, छोड़ना चाहती हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं। भले हो जाए पर बाद में तुरंत दिखाई दे और बाद में प्रतिरोध कर लेने का। तो क्या है कि आपको नहीं बोलना है तो भी बोल देते हैं, तो बराबर है, वो रिकॉर्ड है। मगर ये जो रिकॉर्ड है तो हमें जो मोक्ष में जाना है तो ये रिकॉर्ड हमें हेल्पिंग है, टैप रिकॉर्ड, आपकी वाणी टैप रिकॉर्ड है। बस जिनको मोक्ष में जाने का गोल हो गया है उनके लिए ऐसी टैप रिकॉर्ड बजती है, वो उनको हेल्पिंग है, हेल्पिंग नहीं है, मदद का ऐसी नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि भले टैप रिकॉर्ड है मगर आपकी टैप रिकॉर्ड से सामने वाले को दुख हुआ ना, चलो माफ़ी मांग लो और नक्की करो कि ऐसी टैप रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख न हो ऐसे मृदु रुजु बानी होनी चाहिए, अल्टीमेटली तो सियादवाद बानी होनी चाहिए, ऐसा ऐसा लक्ष्य में रखने का, ऐसा होना चाहिए, चाहिए वो तो ऐसा ऐसा वो लक्ष्य में रहेगा ना तो जो नहीं है वो आपको दिखाई देगा। जैसे नव कलम में पहली कलम है कि कोई भी जीव जीव का किंचित माता भी अहम न दुबाए, तब ये भावना आप करते हैं तो आपको जागृति खड़ी हो जाती है। तो जागृति खड़ी होगी तो क्या होगा कि किसी का भी अहम बाय चांस आपने दुबाया तो तुरंत आपको दिखाई देगा, पहले जो दिखाई नहीं देता था वो तुरंत दिखाई देगा। समझे? अभी दिखाई दिया तो बाद में क्या है, तो बाद में तो प्रेमा जी को बोल लेगा कि देखो उनका ईगो आपने दुबाया नहीं, तो अभी चलो प्रतिरोध कर लो और निश्चय करो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आप बिना फालतू ही कोई भी जैसे कोई जरा सा भी कुछ बोल रहे ना, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों बोल रहे हो बिना कारण? हमेशा यही रहा है शुरू से अभी तक, मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो क्या है कि फाइल नंबर वन के ऊपर बहुत राग होता है ना, तो ऐसा सबको ऐसा ही लगता है कि मैं सब ठीक हूँ, मेरी कोई गलती है ही नहीं। संसार में सबको ऐसा नहीं लगता है? मुझे लगता है सबको ऐसा लगता है कि आई एम करेक्ट, मैं सही हूँ, तुरंत ही बोलूंगी मेरी गलती बता क्या है। मगर ये ज्ञान मिला ना तो अभी वो फोकस धीरे धीरे चेंज होगा। आप सही करते हैं लेकिन मुझे दूसरों की गलती नहीं देखनी है और जागृत हो जाना है, सभी गलतियों को निकालना है, फिर वो सुन हो जाएगा। हाँ आपको भी फिर से बिठा देते ज्ञान विधि में, नहीं वो विधि करवा दे। जो सेट हो गया ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रूपा ने कैसा बताया, माँ बाप को नहीं बोला अरे आप इतने साल से आप तो कुछ करते नहीं है, मुझे तो एक दिन में कितना बड़ा चेंज आ गया, कुछ फायदा नहीं हुआ ऐसा। हाँ आपको कुछ फायदा नहीं हुआ है, अब ये उनको दिखाई देता है क्योंकि उनको पूरा जो चेंज दिखाई दिया। अभी क्या है उनको, क्या उसमें क्या फर्क हुआ उनको अभी समझ में नहीं आया, उनको ऐसा है कि बहुत आनंद आता है और क्या हो गया वो भी ख्याल में नहीं है। धीरे धीरे तो सत्संग अरे परिचय भाई धीरे से पता चल, वही एक मैन ट्रिप्स के बाद सत्संग में रेगुलर है वो क्लेरिफिकेशन। हाँ क्लेरिफिकेशन मीन्स आपने क्या आपने नहीं आपने क्या पाया वो आपको पता चलना चाहिए, उसको ज़्यादा क्लियर भाई आप कर पाओगे सत्संग से ही क्लियर क्या है। पांच आज्ञा भी उसने शुरू कर दिया, सब किया ने, अच्छा है।
वैसे आपको भी आज्ञा का आज्ञा की सूरत हो जाएगी अपनी सीट से हट जाती अपनी सीट से हट जाती वो आग वो क्या है पहले तो वो शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठना चाहिए और लक्ष्य बैठा बाद में सीधी आज्ञा आती है पांच आज्ञा फर्स्ट स्टेप कि शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ जाए आपको बिना कुछ किए जागृति में रहे कि मैं शुद्धात्मा वो भी तो आज्ञा का पार्टी है ना नहीं वो तो एक कृपा है वो दादाबन की कृपा है कृपा से हो जाता है और ये हुआ ज्ञान विधि के बाद वो कृपा उतर जाती तो कृपा उतर गई तो अलग हो गया शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया फिर पांच आ गया बाद में पांच आ गया अभी क्या है कि मैं प्रेमा देवी हूं और मुझे सबकी गलती दिखाई देती है वो बंद नहीं होती है तो प्रेमा देवी होके सबकी गलती देखने का बंद करने के लिए जाए तो कैसा कितना सत्य है और जो हो गया मैं शुद्धात्मा हूँ और ये प्रेमा देवी को गलती दिखाई देती है तो उनको भीतर एकदम मुक्तता रहती है तो प्रेमा देवी को गलती दिखाई देती है मगर हम प्रेमा देवी के पक्ष में है ही नहीं हम प्रज्ञा के पक्ष में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसा सिंपल है तो ये वो दोनों को नहीं बोला आप बैठ जाना फिर कमल और रश्मि को बहुत सारे जब बैठे तभी क्या है आप बोलते हैं वो बैठ जाते हैं तो बड़े भाई बोलते हैं तो कभी नहीं रखो एक विनय से बैठ जाते हैं हार्टिली नहीं और व्यवहार में सब होता है कि चलो भाई रिस्पेक्ट रखो ये सब करो सेवा करो सब मगर उनको भीतर होना चाहिए मुझे ये ज्ञान पाना है इसकी इम्पोर्टेंस भी तभी रहेगी हाँ अभी रश्मि को क्या है कि कृपा का देखा रहे तो उनको सरप्राइज होगा कि क्या होगा उनको सरप्राइज हो जाता है कि उनको एक दिन में क्या हो गया मगर ये है ही ऐसा ही ज्ञान तो एक बार मिला फिर दूसरी बार जरूरत भी नहीं मगर तो जिनको ये लक्ष्य नहीं बैठा उनके लिए तो सब बहुत सारे रीजन होते हैं वो प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होती है पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होते आपको कुछ ऑपरेशन करवाने का है डॉक्टर ने सब पहले सब रिपोर्ट निकालते सब देखते आपका बीपी ज्यादा तो उनकी टेबलेट दे देते डायबिटीज ज्यादा है तो उनकी ट्रीटमेंट कर लेते वो सब नॉर्मल हो जाए बाद में ऑपरेशन करते और ऑपरेशन करने के बाद भी पूरा क्योर नहीं हो जाए वहाँ तक ट्रीटमेंट करते हैं ये तो कैसा सिर्फ ऑपरेशन में बैठ गए बाकी का सब रहेगा ऑपरेशन करा लिया बाकी का सब रहेगा समझ में इसलिए मैं बोलता हूँ वो आए तो नहीं पूछा आप कितनी बार आए नहीं पूछा था वो दूसरा एक भाई आके बैठा था बोला पहली बार ही आ जाओ तो रहने दो पहली बार आए सीधा बिठा देंगे क्या होगा थोड़ा प्री ऑपरेटिव भी ट्रीटमेंट होना चाहिए उनको ख्याल में आए कि क्या ज्ञान लेने का है क्या है दादा भगवान ऐसे थे कि कुछ पता नहीं है ना फिर भी वो आदमी आके बैठ गया ना दादा का ऐसा खुद का स्टेट ऑफ बींग इतना ऊंचा था ना ऐसे फुल दशा थी तो सामने वाले को हो जाता था हम लोग तो सब अप्रेंटिस है ना तो सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा ऐसा है एक दो बार सत्संग में आए तो ये बात समझ में आए उनको पता है कि वो मुझे पाना है मनुष्य जीवन का गोल क्या है और तो मुझे मैं खुद को मुझे जानना है उससे भीतर भावना खड़ी हो और बाद में आए ने तो कल जो छे थे सब ऐसे थे भावना वाले इसलिए रखा ने और मुझे अच्छा लगता है शायद छोटा ग्रुप है ना 15-20-25 तो अच्छा है
वो रिजल्ट 100% आता है। फिर ग्रुप बड़ा हो गया 60-70 हो गए तो कहीं फिर 50% 60% रिजल्ट आता है, फिर वो मिलते भी नहीं है, और मिलेंगे तो मुझे भी याद नहीं रहेगा कि ज्ञान लेके गए। ये तो 6 लोग हैं ना, तो मुझे 2 साल के बाद आओगे तो भी याद रहेगा, तो एक 1-to-1 हो जाता है। ये कैसा है, एक को अनुभव होता है और दूसरे को कहते हैं ऐसा होना चाहिए। एक करिश्मा है तो करिश्मा की सिस्टर डिंपल ने उधर लास्ट ईयर लिया था क्या, वो आती रहती थी कितने साल से, बस उनको इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने वो सबका देखा, उनको थोड़ा लगा, तो मैंने तो बोला कि आपको जाना है तो पहले निकल जाओ, नहीं तो 2 घंटे तक जा नहीं पाएंगे। तेरे मैं बैठ जाती हूँ, क्या दीदी ठीक है बैठ जाओ। तो उनको खुद को जो अनुभव हुआ तो फिर उसने अपने ब्रदर इन लॉ को बताया साथ के टाइम, तो वो भी आ गया, उनको अनुभव हुआ तो दोनों ने फिर उसने उनकी वाइफ को और इस बहन को करिश्मा को बताया, तो करिश्मा भी उनकी मदर को लेके आ गई, उनकी मदर भी उधर थी लास्ट ईयर, हम लोग के निकलने के बाद आई थी, तो डिम्पल में सब चेंजेस सब देखा था ना, तो उनको अच्छा लगता था कि अच्छा है, और डिम्पल सब प्रार्थना करती वो भी सुनती थी, उनको अच्छा लगता था, तो उनका भाव था जाते हैं कि तब उसमें ब्रह्मा कुमारी अच्छा ऐसे वीक में एक आध बार जाते हैं, इतना वो नहीं है रिजिड नहीं है, वह जाते हैं तो उनका उनकी भावना थी ना तो अच्छा हो गया। ऐसे एक को अनुभव होता है फिर वो दूसरे को लेके आते हैं ना, वो सबसे अच्छा है। हमें कुछ बड़ा तो करना नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कि ग्रुप बड़ा हुआ वो के ज्ञान का प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो 2 आदमी स्थिर हुए ने वो प्रमाण। पूछिए अभी पूछते रहो, आप भी पूछना, कुछ प्रश्न है तो पूछते रहना। मनीष साहब अभी पूछते की शक्ति नहीं ना, बस अभी 1-2 दिन ही पीना है एनर्जी ड्रिंक, ज्यादा पी जरूर नहीं, फिर ज्यादा एनर्जी आएगी उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। लकी को जय सच्चा जय सच्चा। कल आपके घर पे अच्छा संजोग बन गया, वो प्लानिंग नहीं था, ऐसे ही हो गया। बहुत बड़ी पुण्य अपने आप आ जाता है। तो सब लोग अच्छा बोलते थे जोर जोर से, सब बोलते थे, तो कोई ऐसा बोलता है मन में बोलेंगे फिर नींद आ जाएगी, मन में बोलते हैं नींद आ जाती है, जो आनंद होता है तो नींद आ जाएगी। वो आपका फ्रेंड था वो जो आया था, सामने सामने की चाय की दुकान है आगे रहते हैं, तो मैं उससे पहले बात नहीं करी तो शायद वो बैठ जाता, तो भाई बैठा हुआ है, हाँ उसका भाई बैठा हुआ है, उसका भाई बैठा सामने वाला भी बैठा हुआ है,
बैठे कोई बात है तो कोई बैकग्राउंड नहीं है सब सीधा फोर्स करके बैठाने का नहीं मैंने उसको इंसिस्ट नहीं किया नहीं वो अच्छा है बराबर इंसिस्ट करने का ही तो रुक जाता है वो क्या है कि थोड़ा एक दो बार का भी परिचय हो जाए ना बाद में वो अच्छा सत्संग में तो आता है कई बार आता है सत्संग में आता रहता है ना सत्संग ज्ञान विधि का पता नहीं है उसको बताया नहीं मैंने मुझसे पहले कंफर्म किया था कि आपका सत्संग कैंसिल करते हैं और ज्ञान विधि रखते हैं चलो तो आरसी प्रस्तुत कर लो जो करना है हाँ बराबर है आज जल्दी पूरा करने का है शुरू से ही क्वेश्चन जल्दी पूरा करने का सारे को साहब से को सारे को साहब से को दे दिया ऐसे अपना जात वाला और जात में जल्दी किसी की समझ में नहीं आता आता फिर जाता नहीं ये बहुत टाइम लगता है इसमें जैसे मैं खुद यहाँ सत्संग में आने के लिए कोई 50 बार लकी ने बोला था आ जा सत्संग में मैं टालता रहता था हालांकि उस समय मैं नौकरी में था पर मैं फिर जब आने लगा धीरे 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 तो फिर समझ में आता है ये क्या बात है ऐसा होता है किसी को धीरे धीरे आते 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 एकदम क्लिक हो जाता है हाँ, फिर तो कोई ऐसे होते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं ना तो भी उनका एकदम क्लिक हो जाता है हाँ, वो पुण्य ऐसे लेके आए ही ना तो पहली बार ही मिले हो जाता है यहाँ पे ऐसे ज्यादा अभी कल जो अशोक आए थे ना हाँ। वो तो उनके सारे ने उनको फोर्स किया था इसलिए आए थे हाँ। तो फोर्स किया था सिर्फ सत्संग में ही आए थे हाँ। उनके साली को भी नहीं लगा था कि वो ज्ञान विधि में आएंगे और यहाँ सत्संग की बातें हुई और ब्लैंक पेपर था ना तो उनको सब सेट हो गया फिर मैंने ऐसे बोला कि आज शाम को 5 बजे है ज्ञान विधि आप फ्री है तो आ जाना क्योंकि डेट तो बच गया था तो घर पे कब जाएगा वापस कब आएगा कोई चांस नहीं था मगर उनका वो सब उनको जो स्वीकार हुआ ना तो मैंने ऐसे ही बताया कि आप आ जाना तो बोला कि हाँ आ जाऊँगा तो ऐसा है अभी उनकी पुण्य कितनी है कि सुबह में मिला और शाम को 5 बजे ज्ञान विधि में आ गया वो सेट भी हो गया दोनों का सेट हो गए पुण्य ही यहाँ अपने गुरु शिष्य में यहाँ ज्यादा मानते हैं चेला बनना है जाके ये बनना है उनको ऐसी कथाएं लालच बातें करते हैं तो उनको अट्रैक्शन होता है ये जाते कुछ मिलेगा गुरु देगा कुछ ऐसा मन में तय कर लेते हैं तो इधर क्या है कि देना लेने की कोई बात ही नहीं होती तो वहाँ उसको थोड़ा ही लगता है फिर जाके क्या करें जब देना लेना ही नहीं करना क्या है तो ये समझ में आने में टाइम लगता है बराबर है और हम बात भी करते हैं कि यार गुरु शिष्य का संबंध नहीं है नहीं हाँ। उनको लगता है कि अरे हाँ। नहीं फिर क्या मुझे कुछ पाने का है तो गुरु तो बनाने का नहीं हाँ, हाँ, हाँ। और फिर ये बोलते हैं कि आप पहले जो करते हैं वो चालू रखना कुछ बंद करने की जरूरत हाँ। नहीं है मैं तो पढ़ता था जब से नौकरी कर ली मेरे को गुरु शिष्य परंपरा समझ में ही नहीं आती मेरे को अच्छी नहीं लगती क्या है नहीं पसंद आता मैं कभी किसी को नहीं बना मेरा भाई है मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा भगत है यहाँ पे एक गुरु है उनका बहुत भगत है उसको उनके अलावा कुछ नहीं दिखता तू तेरा कर रहे हैं बराबर है ऐसा कोई किसी जगह पे सेट भी हुआ है ना उसको हिलाने की भी जरूरत नहीं वो भी नहीं मैं नहीं करता तो दूसरा क्या होता है अच्छा कोई भी जगह पे जो सेट हुआ है ना वो भीतर ऐसा मानेगा कि मेरे गुरु समर्थ है और ये जगह मेरे लिए सबसे अच्छी है तभी वो वहाँ टिकेगा उनको ऐसा वो पूरी श्रद्धा उधर डालेगा ना तभी बैठेगा टिकेगा नहीं तो हम भटकता रहेगा मैं उसको कुछ ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि वो जाता है ना वहाँ वो बाहर कुछ ऐप करने जाएगा उससे बढ़िया वहाँ जाए वो बैठ के ठंड के आ जाए कुछ ऐप नहीं करेगा मैं उससे खुश हूँ कि ठीक है जहाँ जाता है
नहीं पर अपनी एक जगह अच्छी बना ली उन्होंने, उनकी गुरु जी उनको बहुत चाहते हैं, बिल्कुल दूसरा हाथ से हाथ मतलब बराबर सा समझते हैं। जो अध्यात्म में ये समझ में आ गया वो फिर उनको और है सिंपल सा अध्यात्म लेकिन समझने की बात है, और इसमें तर्क वितर्क होता है, वहाँ गुरु शिष्य में तर्क वितर्क कर ही नहीं सकता। पहला सवाल आप पहले कहते, आप हमेशा कहते हो सवाल पूछो, मीन्स आप कुछ बोलो फिर आप जवाब देंगे, फिर बोले आप फिर आप कुछ बोलता है। तर्क वितर्क मतलब बुद्धिजीवियों का काम, अनपढ़ या मूर्ख आदमियों का काम भी नहीं, जो आँख मीच के मान ले या सुन ले। आपने कुछ कहा तो आप में हमको फ्री करते हो, आप पूछो क्या दिक्कत है क्या समझ में नहीं आया। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात है तर्क का काम हो, वितर्क आप अपने विचार रखो ना, क्या दिक्कत है विचार पूछते हो आप। देखिए आप प्रश्न करते ही नहीं तो आपके मन का समाधान होता, हाँ विचार अपने विचार, और जहाँ प्रश्न ही नहीं करने का है एक्सेप्ट ही करने का है, हाँ वहाँ फिर आगे नहीं बढ़ते। गुरु शिष्य में वही है सिर्फ एक्सेप्ट, तो क्या है कि मगर उनको सही गुरु मिल गया और वहाँ सब वो सुनता रहता है सब एक्सेप्ट करता है तो काम हो जाता है। मगर ये कलयुग में ऐसे ज्ञानी गुरु मिलेंगे कहाँ, हाँ, वो बहुत मुश्किल है। कलयुग में गुरु मिलेंगे और वो क्या है भक्ति करते रहते सेवा करते रहते कुछ गलत नहीं करते तो बहुत हो गया इतना हुआ। सवाल जवाब से विवेक बढ़ता है, बुद्धि विकसित होती है, बहुत कुछ डेवलप होता है। और यहाँ ये सत्संग में आप जो प्रश्न करते हैं ना इससे आपका ये जो दर्शन पे आवरण है ना वो आवरण हटता है, आवरण कवरिंग, तो दर्शन आवरण हटता है तो आप कुछ भी बातें सुनेंगे आपको भीतर थोड़ा क्लिक हुआ ना फिर वो चलता ही रहेगा। फिर 5 साल के बाद भी आपको वो क्लिक हुआ है वो हाजिर हो जाएगा। तो यहाँ सही में तर्क वितर्क की भी बात नहीं है, यहाँ दर्शन आवरण खुलते हैं और ये चीज आपको कोई और जगह पे नहीं मिलेगी। नहीं आप सवाल कर ही नहीं सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, आप प्रश्न करने ही नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। आप आगे होके कहते हो प्रश्न करो, आप पूछिए क्या पूछ रहे, ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी मैं गया था ना नाइजीरिया गीता आश्रम में सत्संग था, कभी क्या मैं 92 से जाता हूँ ना सब जानते हैं, तो उन लोगों ने अनाउंस किया सब कुछ किया तो मुझे भी सरप्राइज हुआ कि गीता आश्रम का हॉल बहुत बड़ा है, मोर देन 300 लोग बैठ सके ऐसा। मैं एवरी टाइम जाता हूँ तो 100, 150, 175 ऐसे, ये टाइम पूरा हॉल हाउसफुल था। फिर एक भाई साहब आए थे प्रश्न किए, फिर पीछे बैठे थे आगे आके बैठे, उसने सब सुना बहुत खुश थे। फिर सत्संग पूरा हुआ तो दर्शन करने के पहले सबसे पहले वो आ गए, तो जिसने उस दिन का प्रोग्राम रखा था गीता आश्रम होस्ट तो मुझे तिलक करने के लिए आया ना, तो उसने फिर उनको दे आप पहले आप करो, उसने किया। फिर उसने मुझे बताया कि आज शाम को जो ज्ञान विधि है तो मैं आने वाला हूँ, इतना ऐसा फॉर्मलेस से बताया मैं भी सोचते पड़ गया अभी क्या करने का, तो ठीक है आ जाना। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मेरे बड़ा ज्ञान विधि बहाना है थोड़ी बहन नाम लिखवा देना, तो जाके लिखवा के भी आ गया और 5 बजे का टाइम था वो 4:30 से वहाँ आ गया, सब पूरा हुआ। फिर बाद में जो पता चला कि वहाँ अपना जो
इंडियन एम्बेसी ना वहाँ लेगोस का, लेगोस अबूजा में है मैं और लेगोस में, तो वहाँ का वो कॉन्सुलेट जनरल था। तो भाई देखता है उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है। वो तो मुझे पहली बार मिला था, मैंने ज़्यादा कुछ पूछा ही, क्योंकि 300 लोग थे, एक आदमी को कहाँ पकड़ूं। तो वो आया, ज्ञानदेव बैठा, इतना अच्छी तरह सेट हो गया उनको, वो सो हैप्पी। फिर दूसरे दिन सुबह में आ गया, उनको जो अनुभव हुआ, जो आनंद हुआ ना, तो ऐसा है कभी कभी किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं और क्लिक हो जाता है। पर है सब पुण्य का खेल। और क्या है कि फर्स्ट टाइम या दस या एक साल के बाद फिट हुआ, मेन क्या ये दस्ती मिल गई ना, सबसे बड़ा ये है कि वो दादा बुआ की दस्ती मिल गई, ये शुद्धात्मा दस्ती प्राप्त हो गई। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो दस्ती दी थी वही दस्ती प्राप्त हो गई, कितनी बड़ी पुण्य है। वो आज मिले कि 5 साल के बाद मिले, मिल गए वो सबसे बड़ा है। तो ये समझ में आता है ना, उनको आनंद होता है, ओहो मुझे क्या प्राप्ति हुई। तो वो आनंद उनके बहुत सारे बाकी कर्म भी निजरा हो जाते। थोड़ा ये हो जाता है, गुजराती की बात अलग हो जाती है, हिंदी का अलग हो जाता है, इंग्लिश का अलग हो जाता है। आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। अच्छी हो गई अभी। नहीं तो पाया, पाया में वो है। अच्छा। हिंदी अच्छी करने में सब ट्रांसलेशन वो करके देते हैं। बहुत कुछ हमें कुछ भी प्रॉब्लम है उनको पूछते, वो करके दे दे। ये क्या है छुपे रुस्तों में, आपको पता नहीं चल रहा। हम लोग तो कैसे थे कि गुजरात में रहे ने, तो गुजरात में बातें करते थे, हिंदी में कभी बोलने का नहीं होता था। कभी ऐसे रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहाँ हिंदी में बात करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ यूपी के लोग थे ना क्लास में, तो वहाँ बोलते थे। बाकी कोई जगह पे स्कूल में कॉलेज में सब जगह गुजराती चलता। बॉम्बे वाले को हिंदी बोलना आता, मतलब उनकी हिंदी बम्बई या हिंदी। आपकी राजस्थानी हिंदी अलग हो जाती है, यूपी की हिंदी अलग हो जाती है, और दोनों की थोड़ी अलग हो जाती है। थोड़ी अलग। आपको दोनों ये नाम भेजे थे, जन्म जयंती आज जो भेजे थे। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। पूछ लेना, प्रश्न करना है कुछ पूछ लो। नहीं आ तो रहा था मैसेज आने का, लेकिन अभी मैं बाहुबली जाके आई। बाहुबली साउथ वहाँ आने के बाद में क्या थोड़ा बीमार हो गई, इसलिए फिर ना आना तो मैं गाते तो बात कर ही लेते। अब जैन है, जैन है, जैन बाहुबली जाके आए तो भाई समय से कर भी जाएंगे। और सोनागिरी भी जाएंगे हम लोग भी समय से कर अभी जाके आए। नहीं मेरे को तो 10-12 साल हो गए अभी है समय से कर। हम लोग तो 5-6 महीने पहले गए। जनवरी आज जनवरी ये क्या चल रहा है। हाँ 5-6 महीने हुए अभी तो अचानक ही भी, मतलब वहाँ गए थे हम नांदनी कोल्हापुर के पास, वहाँ 10 लक्षण की पूजा थी। तो 10 लक्षण की पूजा के बाद में क्या है, आपस में 15 जनों का गुट था, उनका सबका वहाँ जाने का लग हो गया कि चलो बाहुबली चलते हैं।
फिर बाहुबली जाके फिर वहाँ महावीर स्वामी का है ना एक अलग मंदिर पहाड़ पे जाके फिर वो सब गाड़ी कर ली थी तो फिर वो दर्शन कराते हैं। अरे अच्छा है। पानी का फर्क पड़ता है। बारह को आने वाले नहीं, ग्यारह को निकलेंगे यहाँ से। ग्यारह बारह को पहुंचेंगे, 14 को शाम को बैठेंगे तो 15 को यहाँ जयपुर। परफेक्ट, बहुत बराबर, परफेक्ट किया। पूरा प्रोग्राम पे लाभ लेते हैं वो। बना लिया साथ के साथ। हाँ आना जाना दोनों बना लिया। हाँ 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 बराबर, परफेक्ट। ये क्या है का तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ एक दिन लेना आराम से। नहीं वैसे है ना बहन की बच्ची है वहीं। हाँ नहीं तो सूरत मंदिर पे भी रहना कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चला के कराया। पर क्या है कि इतने सारे महात्मा इकट्ठे होंगे ना, सबका एक ध्येय है और एक भाव है, एक ध्येय और एक भाव वाले। सबका ध्येय क्या है कि मुझे शुद्धात्मा में रहना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। सबका भाव ये एक ध्येय है और एक भाव है। तो ऐसे एक ध्येय एक भाव वाले ऐसे 3000 लोग इकट्ठे होते हैं तो यहाँ कोई सोशल एटमोसफेयर नहीं होता है, मगर स्पिरिचुअल एटमोसफेयर होता है आध्यात्मिक, जिसमें ऐसे घर पे रहते तो 5 जगह में नहीं रह पाते, मगर वहाँ आज्ञा में सहजता से रह पाते। तो आपको ज्ञान में स्थिर होने के लिए बूस्टर डोज मिल जाता है। कोरोना में वो डोज लेते थे ना वैक्सीन का, बूस्टर डोज देते थे सेकंड थर्ड, ऐसा हो जाता है। तो आज्ञा में रहना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि ऐसा प्रसंग है ना छोड़ना नहीं। ये जन्म जयंती है, गुरु पूर्णिमा है, दादा भगवान की पुण्यतिथि है, फिर दूसरे भी होते मंदिर का, जो दोनों मंदिर का, दादा भगवान की समाधि है वो मंदिर का और सूरत टेंपल का ध्वजा का प्रोग्राम। तो एक देह एक भाव वाले खड़े होते इकट्ठे होते हैं ना, इसमें आप कुछ बोलते भी नहीं है, सिर्फ आके बैठते हैं ना तो भी वो वातावरण में आपको फायदा हो जाता है। और ये काल में, ये कलयुग में, ये पंचम आरा में जिनको आपको ज्ञान लिए हुए कितने साल हो गए? दो साल हो गए। चलो तो मैं क्या बोला, ऐसा नहीं किया था, हाँ कोई बात नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ। मगर आपको अभी कैसा हो गया कि मैं शुद्धात्मा पक्का हो गया है? तो ये पांचवे आरे में दुष्म काल में ऐसा बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा का लक्ष्य किसको बैठता नहीं है, मैं शुद्धात्मा ऐसा लक्ष्य बैठना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा और लक्ष्य बैठ गया ना वो शुक्ल ध्यान हुआ। शुक्ल ध्यान में सहायक संकेत हुआ, 12वां गुणस्थान हुआ। तो शास्त्र के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है, मगर ये दादा भगवान को ये जो 58 में जो अक्रम विज्ञान खुला हुआ तो ये अपवाद से प्राप्त होता है। अपवाद अपवाद तो सब जगह होते हैं। इसका मतलब क्या अपवाद? अपवाद मीन्स रूटीन में नहीं, एक्सेप्शन, सामान्य भाव से नहीं। ये ब्रिज टूट जाता है तो फिर डायवर्जन बनाते हैं, डायवर्जन थोड़े समय के लिए होता है, फिर तो ऐसे मेन रोड तो वही है। मगर ये कलयुग में मन वचन काय का एकात्म योग सबका टूट गया, इसकी वजह से ये अपवाद मार्ग खुला हो। तो इसमें आपको दादा भगवान की कृपा से बिना कुछ किए सबसे पहले
ये भान हो जाता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। वो ऐसा भान होता है कि कोई कितना भी बोले आपको शंका खड़ी नहीं होगी, समझ में? डाउट खड़ा न हो ऐसी श्रद्धा बैठ जाती है, पक्की प्रतीति बैठ गई। और जब जागृति ज्यादा है तो लक्ष्मी भी रहेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये फाइल नंबर एक, और मैं शुद्धात्मा, फाइल नंबर एक मैं शुद्धात्मा। खाना खाती है तो आहार कौन करता है, आहार ही आहार कर रहा है, मैं शुद्धात्मा। अब वहां से आए तो विहारी विहार करते हैं, मैं शुद्धात्मा। क्या मैं निराहारी शुद्धात्मा, मैं निर्विहारी शुद्धात्मा। आप प्रश्न करते हैं, बात करते हैं, मगर आप बोलने वाले नहीं। ये फाइल नंबर एक बोलेगी और आप सुनता, तो ऐसी दशा आपको ये कलयुग में प्राप्त होगी। भगवान महावीर के समय में ऐसा जो प्राप्त होता ने, तो उसी समय उसी जन्म में आप मोक्ष में चले जाते हैं। क्योंकि भगवान महावीर के समय में अक्रम से नहीं होता था, क्रमिक से होता था। क्रमिक में ये स्टेज आ गया तो बाकी का सब निर्जरा हो जाता है। उसके पहले व्यवहार का सब व्यवहार सब शुद्ध निर्जरा, अशुद्ध व्यवहार आपका सब निर्जरा होकर शुद्ध हो जाता था। तो फिर उसी जन्म में मोक्ष हो जाता था। मगर ये आपको जो प्राप्ति हुई दादा भगवान की कृपा से, आपकी मेहनत से नहीं, और आपकी पुण्य से, आपकी कितने जन्मों की भावना थी कि मुझे ऐसा मिल जाए, तो वो भावना वो पुण्य खुली हुई और ये कुदरती निमित्त मिल गया। जय सच्चा कुदरती निमित्त मिल गया। जय सच्चा कल में तो ऐसा हो गया। तो आपको तो क्या, आपको जो मिला है ना, आप तो जैन है, आपको तो ये जो मिला है ना उनकी कीमत सोच पाए, कितना आनंद आनंद है। ये कैसा हो गया? आप सामायिक किसको बोलते हैं? सामायिक किसको बोलते हैं? इसमें कोई दूसरा ध्यान नहीं होता है, केवल धर्म का ही ध्यान होता है। चाहे किताब पढ़ो, चाहे मन से बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, 48 मिनट की एक समय। हाँ, बराबर है। तो 48 मिनट की एक सामायिक और दूसरा कोई ध्यान नहीं होता है, केवल धर्म का ध्यान होता है। तो धर्म का ध्यान में धर्म की किताब पढ़ो, माला फिराओ, कुछ भी ऐसा करते रहो, 48 मिनट तक वो करो, ऐसा सामायिक बताया। ये अभी ऐसा बताते हैं। सही में सामायिक जो भगवान महावीर ने बताया बहुत अलग। भगवान महावीर ने जो सामायिक की बात की है, आपने नहीं बस सुना है पुण्य श्रावक का सामायिक, पुण्य श्रावक, पुण्य श्रावक का सामायिक नहीं सुना है? अरे आप कैसे जैन हैं? आधा आधा बताऊं क्यों? नहीं सर, वो सैनिक राजा थे ना, सैनिक राजा, तो सैनिक राजा के समय में एक पुनिया करके श्रावक था, एक श्रावक था, उनको पुनिया श्रावक बोलते थे। तो वो पुनिया ने तो मुनि महाराज के जो नीचे काम करने वाले थे उनको श्राविका श्राविक कहते हैं। हाँ बराबर है। हाँ तो वो साधु नहीं था, मुनि महाराज के जो नीचे वस्त्रधारी होते हैं उनको श्रावक कहते हैं। हाँ तो बराबर है। आपके संबंध में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। वो तो ये शास्त्र की बात है कि पुण्या श्रावक था भगवान महावीर के समय, बराबर। तो शास्त्रों में लिखा है श्रावक, फिर मुझे आगे सोचने की जरूरत नहीं। मगर वो साधु नहीं थे, मगर उनका नियम क्या था, वो बहुत श्रेष्ठी थे, बहुत पैसे थे, फिर सोचा कि ये तो सब बोझ है और मुझे तो मोक्ष में जाना है। तो उन्होंने क्या सोचा, दोनों ने पति पत्नी ने,
कि हम ये सब जो हमारे पास है वो दान पुण्य कर देते, तो सब दे दिया, अपने पास कुछ भी रखा नहीं। अभी फिर आजीविका कैसे चलाने की, तो किसी को मांगने का तो नहीं, हाथ तो लंबा नहीं करते थे, तो हर रोज सुबह में जाके वो रुई लेके आते थे और रुई में से वो पुनी बना के फिर बेचते थे, उसमें जो पैसे मिलते थे उसमें से वो ग्रोसरी लेके आते थे और खाना बना के खाते थे, और बाकी जो पैसा बचा खाना बना बचा वो सब किसी को बांट देते थे, पास में नहीं रखते थे दूसरे दिन के लिए, ऐसा उनका जीवन था। क्या तो उनको पुण्या श्रावक बोलते थे। तो सामयिक का मतलब क्या है, 8 मिनट से लेकर 48 मिनट तक आपको जागृति में रहे कि मैं शुद्धात्मा हूं, उनको भगवान ने सामायिक बताया। मन में विचार आते हैं, उनको धक्का मारते हैं और धर्म का वो शास्त्र का पठन करते हैं, उनको सामायिक नहीं बोला है, भगवान की बात कर रहा हूं, अभी जाके साधु को ऐसा मत बोला, भगवान की बात है। भगवान ने क्या बताया कि आप शुद्ध आपकी शुद्धात्मा की जागृति है, शुद्धात्मा की गति पे बैठे हैं, वो समय आपका सामायिक का हुआ। समझ में आया? अभी मैं आपको बताऊं, आप मानो सुबह वॉक करने के लिए निकले हैं और आपको जागृति में रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये विहारी विहार कर रहा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, और रास्ते में सब मिलते हैं, सब में शुद्धात्मा देखते जाते हैं, तो वो सामायिक हुआ कि क्या हुआ? नहीं पता उनको जागृति में क्या रहा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, भले उनका देह चल रहा है विहार कर रहा है फिर भी सामायिक हुआ कि नहीं हुआ? मगर आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे, अरे सामायिक में तो ऐसा बैठना पड़ता है एक आसन पे, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो सामायिक बताया, भगवान महावीर ने, वो किसके साथ कनेक्ट किया कि आपकी स्थिरता शुद्धात्मा में कितनी है, फिर आप विहार कर रहे हैं, शुद्धात्मा की स्थिरता है तो सामायिक, आप किसी साथ बात कर रहे हैं मगर आपको भीतर जागृति में मैं शुद्धात्मा और ये फाइल नंबर एक बात कर रही है, रिकॉर्ड बज रही है, तो वो सामायिक हुआ। आगे बताओ, आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और आपको जागृति में रख रहे मैं शुद्धात्मा, ये आहार यहार कर रहा है, तो भी वो सामायिक हुआ। तो भगवान के समय में जो सामायिक था, चलते फिरते उठते बैठते खाते खाते समय, बात करते समय, हर समय जो सामायिक रहता था, वो सामायिक ये दादा भगवान की कृपा से आपको मिला है। कितनी बड़ी बात है, भले आपको पता नहीं है सामायिक का दरअसल मीनिंग भी पता नहीं है, आप तो स्थूल में बोल देते हैं कि ऐसे बैठ के वो शास्त्र में धर्म में रखा, दूसरा काम नहीं किया, दूसरे विचार है तो भी उनको हटा दिया तो वो सामायिक हो गया, तो क्या ऐसा नहीं, आपकी दशा क्या, आपका शुभ नाम गुलाब जी, तो क्या है कि ये उपास्य में जाके घर में आप आलते पालते मार के बैठ गए और धर्म का ध्यान करे शास्त्र का पठन करे तो आपको लगा सामायिक, ऐसा नहीं, आप गुलाब देवी होके कुछ भी करते हैं वो सामायिक नहीं है, समझ में। मगर आपको ध्यान में रखना है मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, गुलाब देवी ये सब कर रही है, वो शुद्ध आत्मा से मिली, वो शुद्ध आत्मा तो आपके यहाँ से मिली है ना, नहीं तो हमें तो वही ज्ञान है ना, बराबर इससे बताओ कि आपको कितना बड़ा मिल गया है। आज तक आप जिनको सामायिक बोलते थे ना, वो सही में सामायिक है ही नहीं, वो तो स्थूल भाषा का सामायिक है। भगवान महावीर ने ये नहीं बताया, भगवान महावीर ने तो आपको शुद्धात्मा की जो जागृति रही उनके साथ सामायिक को जोड़ दिया है। अभी मैं धर्म शास्त्र का पठन कर रहा हूँ मगर मुझे मैं शुद्धात्मा ऐसा जागृति नहीं है, मुझे है कि मैं गुलाब देवी हूँ और मैं पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं सामायिक करती हूँ,
सही में शुद्धात्मा को सामयिक करने की होती है? नहीं होती है, उनको कुछ करने का नहीं होता है। तो हम करने के लिए जाते हैं, मानते हैं मैंने सामयिक किया। बाहर मत बोलना ऐसा, ये तो आपको समझ में आया कि आपको कितनी ऊंची बात मिल गई है, कितना ऊंचा वो भगवान का ज्ञान मिल गया है, तीर्थंकर भगवंतों का। ये दादा भगवान को 1958 में सूरत के रेलवे स्टेशन पे जो ज्ञान हुआ ने, तो भीतर के सारे आवरण हट गए और केवल ज्ञान प्रकाश खुला हो गया 360 डिग्री। फिर क्या बताया कि कलयुग का जो बॉडी है ना, पुद्गल कलयुग का, तो कलयुग का पुद्गल वो नियम से कलयुग के पुद्गल में केवल ज्ञान खुला नहीं हो सकता है। तो दादा ने बताया कि ये जो ज्ञान प्रकाश खुला हुआ 360 डिग्री, मगर हमें पचन कितना हुआ 356 डिग्री। तो बाकी की 4 डिग्री पूरी करने के लिए हम भी हमारे भीतर रहे हुए दादा भगवान की भक्ति करते हैं। फिर आगे क्या बताया पता है कि हमें 356 डिग्री ज्ञान डाइजेस्ट हुआ, मगर आपको जो देते हैं ने पूरा केवल ज्ञान देते हैं। फिर आपको जितना डाइजेस्ट हुआ कितना आपका, आपको 356 की जगह 355 हुआ, 350 हुआ, जितना भी हुआ इतना आपका, समझे? तो इतनी ऊंची चीज हमें मिल गई है, जिसकी इसकी वजह से तो हमें वो टेंशन नहीं है, इसकी वजह से तो चिंता बंद हो गई। कल मैं और भाई कश्यप से थोड़ी बात करूँ, कल ज्ञान विधि लेके गए ना, आज आज चलेगा, चलो भाई। अपने रात को ध्यान करके सो गए थे, ऐसा कैसे चलेगा? मैंने बोला था जोर से बोलना, वो भी नहीं बोल पाता था। मैंने बोला था जोर से बोलना कल ज्ञान विधि में, जोर से नहीं बोला, मैं धीरे स्लो हो जाता था। तो मुझे वो ये यंग है तो तू जोर से बोलेगा ऐसा मुझे लगता था। तो कोई बात नहीं, मगर आज सुबह में रात को नींद अच्छी आ गई थी। रोज से अलग लगती है, रोज से हर रोज जो सो जाते हैं और आज रात को नींद आई तो लगता है कि आज बहुत अच्छी नींद आ गई, ऐसा लगे। आज से नोटिस करता हूँ, नींद बहुत आती है तो सारी नींद अच्छी लगती है आज से। नहीं ऐसा ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी नींद आई ना तो आपको लगता है कोई फ्रेश हो गया, हैंगओवर नहीं लगेगा, बराबर है? तो ऐसा अनुभव, ये तो अनुभव हुआ ना। फिर सुबह में उठने के बाद आपको याद आया था कभी कि मैं शुद्धात्मा हूँ? ऐसा मैंने कॉन्शियसली तो सोचा नहीं, पिछले शायद सोचने का नहीं था, मैं तो एक बाहर गया काम करने के लिए गया, तो पहले तो आ गया था कि बाय रिलेटिव पॉइंट ये आदमी है, बाय रियल पॉइंट शुद्धात्मा है, जैसे वो अंदर रहता है ना, प्लांट है, ट्री है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई आदमी मिला तो रहता है ना कि आप तो क्या है, शुद्धात्मा है। आपको वो आज्ञा के फॉर्म में नहीं रहा ने, मगर भीतर रहेगा क्योंकि आपको मान हुआ ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ। आज तक क्या था कि मैं कसिस हूँ, अभी ये हुआ कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो तू शुद्ध आत्मा तो सुबह में उठा कौन, कशिश उठा, सो गया था कौन, कशिश सो गया था, कशिश उठ गया, बराबर। फिर जैसे उठने के बाद जागृति में रहता है नहीं भाई कशिश, चलो आप ब्रश कर लो, आप फ्रेश हो जाओ, और साथ में ये भी रहेगा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे फ्रेश नहीं हो रहा, मुझे नहाने का नहीं है। फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए गए तो भी क्या रहेगा, कशिश ब्रेकफास्ट करेगा, आहारी आहार करेगा, अल्पाहारी अल्पाहार करेगा, और मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र उसे जानता हूँ। क्या मैं तो ये जागृति थी कि नहीं थी आज? आज तो नहीं थी, बट अभी थोड़ा ऐसे सोचने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बराबर है,
इसलिए तो पूछता हूँ कितना फिट हो, मुझे देखना पड़ेगा ना। कृपा को बराबर सेट हो गया, पर वो तेरे आगे बैठी थी ज्यादा खुश है। तो ऐसा फिर वो खाना खाया, तो खाना किसने दिया, ब्रेकफास्ट किसने दिया, तो आज तक लगता है मम्मी देती है, तो बराबर है मम्मी देती है, भीतर समझ देगा कि व्यवस्थित बराबर। फिर मम्मी ब्रेकफास्ट दे रहे तभी ध्यान में रख लेगा कि बाय रिलेटिव पॉइंट मम्मी है, बाय रियल व्यू पॉइंट शुद्ध आत्मा है। व्यवस्थित वाली चीज रियलाइज हुई आदमी, व्यवस्थित वाला रियलाइज हुआ ना। हाँ बहुत अच्छा है। क्या रियलाइज हुआ? जो भी काम कर रहा था उसमें कैसे जो चीज कल नहीं हो रही थी आज भी और निश्चय से उनका उपयोग करने का। तो गाड़ी लेके आया तो कार चला, कार तो मैकेनिकल चलती रहेगी, और रास्ते में कोई आदमी मिला तो शुद्धात्मा देख लिया तो प्रॉफिट तो बहुत होगा, मगर टैक्स फ्री प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा ये बहुत प्रॉफिट कर लिया, तो गवर्नमेंट टैक्स ही डालेगी, बराबर है। तो ऐसा प्रॉफिट बिना मेहनत का मिल रहा है, इतना अच्छा बिजनेस मिल रहा है। आप जो बिजनेस करते हैं ना उसमें तो कितना सारा वो खर्चा निकालना पड़ता है, ओवरहेड निकालना पड़ता है, और जो मटेरियल है उनका बेसिक वैल्यू निकालना पड़ता है, बेसिक कॉस्ट, और बाद में प्रॉफिट निकलता है। और ये तो आपको ऐसा बिजनेस दिया कि जितना टील में जितना आया सब प्रॉफिट। तो सिंधी मानुस है यार, ऐसा बिजनेस मिल जाए तो कच्चा कैसे पड़ेगा, बराबर है। जितना टर्नओवर इतना प्रॉफिट। गुलाब जी आपको ख्याल में, ये आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि जितना आज्ञा में रहे ने पूरा प्रॉफिट, कुछ उसमें से निकालने का नहीं। और वहां तो टर्नओवर 100 करोड़ का हुआ, मगर प्रॉफिट होगा 10 करोड़ का। क्या मैं तो यहाँ तो जितना टर्नओवर पूरे पूरा आपका प्रॉफिट, इतना अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा। ये तो वितरकों का दरअसल बिजनेस है, शुद्ध उपयोग का बिजनेस है, मगर आपकी पुण्य से आपको मिला। और अभी काम निकालना उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको ही आज्ञा में रह के निकालना पड़ता है। आई बस समझ, वो आपको ही लेना पड़ता है। और है कि ऐसे जन्म जयंती गुरु पूर्णिमा ऐसे फंक्शन में आते हैं ना, तो सब लोग इकट्ठे, सब महात्मा इकट्ठे हुए तो आपको एक वातावरण अच्छा मिल जाता है, माहौल ऐसा मिल जाता है कि जिसमें आपका ये पुरुषार्थ अच्छी तरह से हो सके। तो आने वाला है तो अच्छा है, और वहां तक वो 5 जगह पक्का होके आ जाना। अभी एक आध महीना है ना, अभी पक्का कर लेना। आज रात से वो ध्यान भी कर लेना भाई, शुद्धात्मा बोलते बोलते सो जाने का ना, वो भी कर लेना। हाँ वो रोज करने का, हाँ डेली करने का, उसमें क्या 2 मिनट लगेगी। और रात को ऐसे भी तू बेड में लेट गया, आधा घंटा नींद नहीं आती तो भी तेरा टाइम चला जाता है। और ये तो तू ध्यान करेगा दादा का फेस रख करके, मैं सुनता तो बोलते बोलते सो जाएगा ना, कभी नींद आएगी वो भी पता नहीं चलेगा, और फ्रेश हो जाएगा, कितने भी थकान है फिर भी फ्रेश हो जाएगा। और ये दादा की आज्ञा है, उसे सो गया और सुबह बाद उठते ही फिर वो जागृति आ गई, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो सारी रात कसे सो जाएगा, मगर वो मीटर चालू रहेगा। समझ में, आप उबेर करके यहाँ से कहीं गए और उबेर में बैठ के आप सो गए, और मीटर तो चालू रहता है ना। ऐसा है, आप रात को आराम से सो जाएंगे और आज्ञा में रहने का फायदा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर रोज करना चाहिए। ऐसा बिना मेहनत का जो प्रॉफिट है वहां कच्चा नहीं पड़ने का, बराबर है।
फिर फाइल का संभव से निपटारा किया नहीं किया? वो भी किया और फाइल का संभव से निपटारा, वो दोनों याद है। चलो अच्छा है, वो दो रहा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, मगर अभी तो घर पे जाए तो ऐसा देखते देखते जाने का कि बाय रिलेटिव पॉइंट, बाय रियल व्यू पॉइंट, व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, ऐसे करते करते फिर वो सहज हो जाता है। वो पहली दो आज्ञा में सहजता आ जाती है, कैसे वो आपको जागृति में रहता है कि शुद्ध आत्मा है। और पांचवी आज्ञा शुद्ध आत्मा का अकाउंट, उसमें कुछ किया कि नहीं किया? रात को करें है। वो किताब दिया था, वो आपने लिया कि नहीं लिया? हाँ, वो किताब तो लिया। किताब संभाल के रख दिया ने? हाँ, पढ़ा नहीं है? नहीं, किताब पढ़ी ने। तो अच्छा है। पढ़ी नहीं, पढ़ी है घर पे, पढ़ी है नहीं, पढ़ा नहीं है। तो पढ़ने का उसने जो बताया था ना, तो त्रिमंत्र तो आपने बोल लिया होगा ना इसे? त्रिमंत्र तो बोलता है ना। हाँ, त्रिमंत्र सुबह शाम बोलते है, बाद में उसमें वो जो निश्चय व्यवहार चरण विधि है ना, वो खास कर लो। निश्चय व्यवहार चरण विधि, दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वो जरूर पढ़ना। उस हाँ, पापा के साथ बैठ जाने का, साथ साथ में हो जाए वो अच्छा है ना, साथ में बैठ के करेंगे तो अच्छा है ना। शादी कभी है तेरी? हाँ, कैसे शादी कब है तेरी? कशिश की शादी ना? अभी हाँ, बहुत अच्छा। कितना जागृत हो कशिश की शादी, देखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा, कशिश की शादी, सही बात है। अभी तय नहीं हुआ है नहीं? अब पक्का बैठ गया शुद्ध आत्मा। हाँ, अभी शुद्ध आत्मा पक्का बैठ गया। अभी फाइल का संभव से निपटारा करना है ना, वो उसका संभव से रहता है। चलो अच्छा है, प्रोग्रेस अच्छा है, पर तेरे से कृपा का ज्यादा है तो कोई बात नहीं। अभी तो आज्ञा में रहेगा, उससे आगे निकल जाएगा। जय जयकार हो, दादा भगवान ना
जय जयकारो